Welcome to my channel, The Mighty Life. It's me, Sakshi Pandey, and it's Meera Pandey. तो आज से आवाज मेरे सुन लीजिए, उसके बाद अब मैं बताना स्टार्ट करती हूँ. तो पहले मैं यही टास्क का बताती हूँ कि 100% फेक कौन है. जय भानुशाली ऑफ कोर्स, देन 50-50 इज शमिता शेट्टी, एंड 100% रियल जो है वो है के. अब अफसाना का ये वन लाइनर है कि मैं पैसा थोड़ी ना हूँ कि सबको पसंद आऊँ, मैं अफसाना खान हूँ. ये वाओ, बहुत अच्छा था ये. मुझे मतलब वन लाइनर ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा. फिर तेजस्वी के बारे में क्या बोलूँ कि वो तेजस्वी ने कहा शमिता को कि आप क्लोज अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस मतलब भड़कती हैं, तो वो सही बात है. विशाल से सुनती हैं उनका बातों गड़बड़ होता है. फिर उमर ने जो भी कहा करण के लिए कि 100% रियल पे रखूँगा, क्योंकि वो पीछे किसी के नहीं बोलते, मुंह पे बोलते हैं, वो सही बात है. अब ये गधा की एंट्री हुई है. अब वो गधा हीरो भी बन सकता है या तो गधा से सुअर भी बन सकता है. दैट इज़ ये राजीव, क्योंकि मुझे देखिए मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि मुझे लुक वाइज तो अच्छा नहीं लगा, पर्सनैलिटी वाइज आपको मैं एक हफ्ते भर में तो बता ही दूंगी, पहले ही दूसरे दिन में पता चल जाएगा उनकी हरकत से. इविक्शन नहीं होगा, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था. अब ये देख लीजिए थोड़ा तेजरन मूवमेंट, क्योंकि अदरवाइज आप लोग कहेंगे तेजरन मूवमेंट नहीं आया, लेकिन मुझे तेजस्वी नहीं पसंद आई. मतलब ऐसा नहीं पसंद नहीं आती, मतलब कल के नहीं पसंद है वो, थोड़ा सा कल उल्टा वो बोल दी, उसको समझ नहीं आया कि जय को आगे बढ़ा रही है कि करण को गिरा रही है. वो इसीलिए तो चीज नहीं समझ में आया, ये वाला सीन मुझे नहीं पसंद आया. क्योंकि अब ये कौन सी बात थी, बाहर करण के भी फैंस यही बोल रहे हैं कि बाकी सब सही है बट ये खराब है. विशाल का बिहेवियर हीना खान के लिए बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल था. ये बहुत उनके सामने ये सब नाटक करना, ड्रामा करना, इतना सारा मेरे पास कपड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. अरे भाई क्या कर रहे हो, तब रोज पहन रहे हो कपड़ा, ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद वो चली जाती तब लड़ते, तब तुम लड़ते. और नहीं तो तुम बाद में टावल लपेट के बैठे थे तो पूरा दिन ऐसे टावल पहने रहते, फिर क्यों पैंट पहन लिए जाके. हाँ, जब सलमान को आने की बारी आया तो पहन लिया. अब ये करण तेज हो रहा है, मैं भी जाऊँगा कि कोई बंदा मुझे रोते हुए देखे, तेजू मैं भी तो आ जाऊंगी. मतलब दोनों जब बाहर जाएंगे तो वो चाहते हैं कि अगर मैं बाहर जाऊँ तो रोएं, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि करण पहले जाएंगे ही नहीं. अब वो फाइनल के ही दिन ट्रॉफी लेंगे, तभी निकलेंगे. तो यहाँ पे करण और प्रतीक में से किसको सपोर्ट, ऑफ कोर्स करण को सपोर्ट. भाई सीधी बात है, हम लोग का माँ बेटी का तो करण को ही सपोर्ट है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए जरूर, और इंस्टाग्राम पे जाइए फॉलो करिए द साक्षी लाइफ, हमार डे लाइफ. और यूट्यूब चैनल है साक्षी का, द साक्षी लाइफ, वहाँ भी जाके आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा फेस आर्ट डालती हैं. और अगर वीडियो बहुत पसंद आवे तो खूब अच्छा अच्छा लाइक करिए, खूब बढ़िया बढ़िया सब्सक्राइब करिए, ठीक है. और ईस्ट और वेस्ट करण एंड तेजू इज बेस्ट, तो कीप सपोर्टिंग के एज वेल एज तेजा. Thank you and have a nice day. Namaskar. Jai Mata Di.